कि पिछले 3-4 महीने से जो एक्सप्रेस वे का जहाँ पर जो काम चल रहा है, हमारा प्रयास यही है कि जहाँ के लोकल के जो जितना हमारा यूथ है, चाहे वो टेक्निकल यूथ है, चाहे अनस्किल्ड है, चाहे स्किल्ड है, या सेमी स्किल्ड है, उसको जहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए। क्योंकि ये ज़मीन भी हमारी है और जहाँ का जो जितनी भी माइनिंग जे करेंगे, रेता भी इनको जहाँ का चाहिए, बजरी भी इनको जहाँ की चाहिए, और माइनिंग के लिए भी जो इनको जहाँ से चाहिए। तो लेकिन रोज़गार ये हमारे लोगों को नहीं देंगे, तो ये चलने वाला जो है, इसका जो इनका जो तरीका है, वो हम इस तरीके से चलने नहीं देंगे। तो अभी हमारे 2-3 बार हम DC साहब से भी मिले हैं, ऐसा नहीं कहते कि हमारे लगाए हैं इन्होंने कुछ बंदे, लेकिन वही जो अप्रोच वाले बंदे हैं वो लगते जा रहे हैं, लेकिन बाकी आदमी जो है नहीं लग रहे हैं। जो हमारा टेक्निकल वर्कर जितना भी है, चाहे वो JCB ऑपरेटर है, चाहे वो एक्सावेटर चलाता है, चाहे वो और जो भी अपना बदला चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अब उनको वो कंपनी जगह नहीं दे। जहाँ ये भी र्यूमर उठ रहा है कि जहाँ करप्शन चल रही है धड़ल्ले से कंपनी के अंदर, इनके अंदर एक स्टाफ का कोई आदमी है इनका, वो उस तरीके से उसको वो है भर्ती करवा रहा है लोगों को, ये भी एक चीज़ सुनने में हमें आई है। लेकिन उसका हम ऑथेंटिक उसका वो नहीं करते अभी तक, जब तक हमारे पास पक्का प्रूफ नहीं आ जाता। तो अभी DC साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि जो आदमी आपके पहले जो लिस्ट दी थी, अब उस लिस्ट के बारे में कितने आदमी लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, मैं आप एक लिस्ट बना करके हमें दे दीजिए और मैं इनसे मंगवाता हूं कि इनमें से आपने क्यों नहीं लगाए हैं जो बंदे। तो अभी मांगी है उनको, कल हम इनको लिस्ट दे देंगे DC साहब के माध्यम से दोबारा कंपनी को। हालांकि हम 2-3 बार लिस्टें दे चुके हैं इनको, तो देने के बाद भी जो है अभी तक जो टेक्निकल वर्कर जो हमारा स्किल्ड वर्कर है, चाहे वो मैकेनिकल का इंजीनियरिंग के अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल किए हुए बच्चे हैं, BTech किए हुए बच्चे भी हैं हमारे जहाँ पर, कंप्यूटर का डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं, हर तरीके का जो इनको मैन पावर चाहिए वो जहाँ पर अवेलेबल है। तो इन्होंने जो हमारा जो एक एक्ट बना हुआ है, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट 1979, तो उस एक्ट के तहत भी अगर देखा जाए तो ये बाहर की लेबर नहीं ला सकते हैं। अगर इसको चीज़ को किया जाए, ये तभी लेबर को बाहर की ला सकते हैं कि अगर जहां पर मैन पावर अवेलेबल ना हो तो ऐसा है कि उस एक्ट की भी ये वायलेशन कर रहे हैं। और उसी एक्ट के तहत जो हमारी सरकारें हैं, जो भी कंट्रैक्ट देती हैं इनको, जो ठेके देती हैं, उसी एक्ट के दायरे के अंदर रहकर की एक वो बनता है, इनका नियम बन जाता है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार देना है। तो वो तो रोज़गार जहाँ के लोगों को मिल रहा, आज भी प्रैक्टिकल देखा जाए तो 90% जो जहाँ पर, चाहे वो स्टाफ के अंदर होंगे, चाहे वो लेबर में होंगे, चाहे वो टेक्निकल वर्कर होगा, वो 90% आज भी बाहर का इन्होंने वर्कर वहाँ पर लगाया हुआ है। तो लोकल के लिए ये रास्ता मतलब बिल्कुल बंद है। तो सरकार का ये जो विकास जो करने का जो दावा सरकार करती है कि हम ये विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरे ज़मीन भी वहाँ की ले रहे हो, हमारे किसानों को बेरोज़गार कर रहे हो, और हमारी जितनी भी जो दरिया हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको खाली भी कर रहे हो, और हमारा तमाम जहाँ का यूथ क्या उसके लिए 2 दिन की रोज़गार भी जहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके लिए वादे होंगे, क्योंकि अभी तक हम पीसफुली चल रहे हैं। हमारा नहीं, कदाचित ये चीज़ नहीं है कि हम किसी तरीके से ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को क्रिएट करें हमारा वर्कर। तो इसका उसके चलने के साथ साथ इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सरकार भी उसको ना सुने वर्कर को। तो आज DC साहब ने जो आश्वासन दिया, हम कल लिस्ट देंगे, उसका विदिन 2-4 दिन के अंदर देखेंगे रिजल्ट क्या निकलता है, और क्या अगर लगाते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो हमारे पास एजिटेशन के ऊपर जाने का और सिवाय कोई रास्ता नहीं है।